प्रदेश में लाखों कोशिशों के बाद भी बदमाशों का आतंक जारी है। बदमाश अब बेखौफ होकर नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। मामला बहराइच का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता और लोकसभा प्रभारी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि इस दौरान कार ड्राइवर ने साहस दिखाया और गाड़ी को भगाते हुए सीधा अस्पताल ले गया, जहां बीजेपी नेता का इलाज चल रहा है। आज हम लोग सुबह जा रहे थे इकौना, राम फेरन पांडे जी जो वहां के विधायक हैं उनसे एक मीटिंग थी। सपना फ्लोर मिल के पास पहुंचने पे इतवार से रामचंद्र चौधरी जी को थोड़ा से वोमिटिंग टाइप का लगा, तो उन्होंने कहा कि पप्पू गाड़ी रोको और हम थोड़ा मुँह अपना धो लें। वो मुँह धोने लगे, उतर के हमने गाड़ी रोक दी, हमने गाड़ी बंद कर दी। तब तक पीछे से कुछ लोग आए, दो आदमी थे और दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी और उन्होंने फायरिंग कर दिया। पहली गोली इनको लगी, ये चिल्लाए कसके और उसके बाद भाग के गाड़ी पे आके और पप्पू दरवाजा खोल के बैठ गया और उसे कहा पप्पू गाड़ी भगाओ। वहीं बीजेपी नेता पर दिन दहाड़े हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। रामसुंदर चौधरी जी हैं जो बहराइच के रहने वाले हैं। इनका अक्सर जो मूवमेंट है वो बहराइच से इकौना, श्रावस्ती, बलरामपुर की तरफ रहता है। आज भी अपने ये इसी काम से अपने एक साथी उपाध्याय जी के साथ सुबह 9:10 के करीब अपने घर से निकले थे इकौना जाने के लिए, किसी से मुलाकात करने के लिए। वहीं इनका कहना है कि सपना फ्लोर मिल के पास ये रुके और उतरे अपनी गाड़ी से, तो पीछे से दो लोग मोटरसाइकिल से आए हैं, उन्होंने इनकी गाड़ी पर इनके ऊपर फायर किया है। फायरिंग में इनकी गाड़ी का एक जो शीशा है वो टूटा है, साथ ही इनकी पीठ में भी एक जो बुलेट है वो टच करते हुए निकली है। अभी उसका एक्सरे हुआ है, डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। इस समय पर उनकी हालत स्थिर है, वो स्वस्थ है। इस संबंध में उनके द्वारा डिटेल में मेरे द्वारा बात की गई है, कई जानकारियां उनसे एकत्रित की गई हैं। घटना किस प्रकार से हुई या किस प्रकार ये जो कारित की जा सकती है, अभी और उनसे डिटेल में बात कर रही हूँ। उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे द्वारा अपनी टीम्स जो हैं वो क्षेत्र में भेज दी गई हैं, इसमें और जानकारियाँ प्राप्त करके त्वरित इस घटना का जो अनावरण करने का। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन बीजेपी नेता पर सरेआम हुई फायरिंग कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।